बाहर निकल दिया आया दिल च हर वक्त खौफ यह रहता है कि कोई दोस्तों से बैठे हुए कोई ऐसी गल ना निकल जाए जी मुसीबत का अपने लिए मुसीबत का सबब बने या खानदानी मुसीबत का बाज बने क्योंकि आप कभी भी कुछ भी कह मतलब आप कोई बात करो आप सही भी करोगे तो अगला बंदा पता नहीं उसको किस तरह लेता है वो यही डर है कोई बात भी ना करे तो यही डर लगा रहता है कोई ऐसे अपने पास ही बात बना लेते हैं और क्या डर लगता है अगर दो चार बात कर भी रहे हैं लोग उनसे दूर होके खड़े हो जाओ पास से गुजर जाओ फायदा कोई नहीं इनसे बात करने का आपको डर लगता है हाँ जी बिल्कुल घर वाले कहीं जाने नहीं देते जॉब नहीं करने देते डर किस काल का लग रहा है डर सिर्फ अपनी इज्जत का ही है ना कि बेटियां ने जब बाहर आप रूहानाबाद से बाहर निकलते हो तो ऐसा अनसेफ सा फील करते हो ज्यादातर तो नहीं लेकिन होता ही है कि यार कुछ हो ना जाए एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हो हाँ जी बातचीत में जी अभी हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ तो डर लगता है फिर अभी के हम लोग खिदमत करते हैं पेशेंट की क्योंकि इतने जैसे केसेस होते हैं ये सीए के बेड केसेस इनको या ऐसी कोई सर्जरी होती है जिनके पास खड़ा भी नहीं हुआ जाता उनकी ड्रेसिंग ये वो सारा कुछ वगैरह वगैरह तो जब इस तरह के हालात आ जाते हैं तो फिर डर लगता है डर लगता है पाकिस्तान में कोई किसी गल पे टॉपिक पे गल की थी तो प्रॉब्लम हो जाएगा हो जाता है जी टॉपिक पे गल करो तो यही बल्कि टॉपिक पे पहुंच ही नहीं सकते साडी यानी जरूरत ही नहीं की प्रेशर है और डर लगता है कि मार देगा मज़बी जरा तसब है ना वो बहुत ज्यादा ये शुरू तो मैं देख रहा कि मैं जो पिंड च रहा सा उत्ते सानू ट्यूबवैल तो नहा नहीं देंगे और जो कि ट्यूबवैल तो चले जाना तो लोग जो मतलब पिंड के लोग रेंदे सन वो समझते हैं कि जिस क्रिश्चन ने हाथ लाता पानी नू तो पलीद हो गया डेफिनेटली मेरे बाल आधे गायब हो गए सारे सफेद हो गए मैं 41 का और मैं 50 से बाब लगता हूँ इकोनॉमिकली हर चीज़ तबाह हो जाती है आपको काम नहीं कर पाते जेन में एक प्रेशर रहता है घर में बच्चों को समझाते हैं कि बाहर जाकर बेटा इन इन मामलों पर बात नहीं करनी जी बिल्कुल समझाते हैं कौन से मामला यानी कि मसीहत कौम को अक्सर बताया ना कि वो नीचे गिराते हैं तो हमने उनको बताया हुआ है कि चाहे कुछ भी कहें आप कहें जी ठीक है आप अच्छे हैं हम बुरे हैं खामोशी से वापस आ जाए क्या पेरेंट्स कभी ये कहते हैं कि बाहर जाके बेटे पॉलिटिक्स और रिलीजन पे बात नहीं करनी जी क्या समझाते मतलब कि किसी के साथ मतलब दोस्तों में जा रहे हो तो खुद ही रहना किसी से बात नहीं करनी रिलीजन के बारे में मतलब ऐसे ही आप अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा बाहर जाके सियासत पे और मज़हब पे बात नहीं करनी हाँ जी बिल्कुल बच्चों के साथ ये समझाते हैं कि बाहर ऐसी कोई बात ना करें जिससे ये बाद में मुश्किलें हों ऐसा तो फिर असी तो फिर खुदा ने सिर्फ अपना सारा कुछ दसिया हो तो खुदा उनका तेरे सिर पर ही सारा कुछ है उस तो अलावा तो सा कुछ है कोई नहीं ना साढ़े को असला ना कोई दूसरी चीज़ है सिर्फ खुदा का ही एक आसरा है वही साड़ी मेहरबानी कर रहे इस अलावा तो साढ़े को कुछ भी नहीं ये दिल करता है कि छोड़ छाड़ के बाहर ही चले हाँ जी अभी मैं रस्ते में यही कह रही थी कि मैंने तो पाकिस्तान छोड़ ही देना लेकिन हम कहते हैं कि नहीं हम नहीं भागे लास्ट टाइम ही नहीं भागे इतने केसेस के बाद भी आपके बच्चे हैं हाँ बिल्कुल है मेरी बेटियाँ ही हैं तीन मैं ज़्यादा इनसिक्योर फील करता हूँ लेकिन हम बड़ी हो रही हैं छठी में है नाइन्थ में है जब ये हालात देखते हैं अभी आने वाले वक्त में पता नहीं क्या होगा इससे ज़्यादा खराब हो वर्ष हो सकता है हाँ वो भी है नहीं फिर खौफ तो लगता ही है और ये सोच नहीं भी यार इतों किसी दूसरी साइड से बंद दूसरी कंट्री तो चले जाना चाहिए ताकि हो सकता ये लोग यानी कि किसी टाइम ही साढ़े पे कोई ना कोई यानी कि साढ़े को अटैक कर सकता है या असी मन सन तहफज नहीं है मैं उस टाइम बहुत सारे वाकयात ना फिर उस खौफ आता है भी असी महफूस नहीं है आपका ये दिल करता है आप तो रह गए यहाँ आप बेटियाँ यहीं रहें या बाहर चली जाएँ कहीं महफूस जगह पर ये तो डेफिनेटली जेल में आता है कि यार ये यहाँ ना रहे ये तो आता है कि ये यहाँ ना रहे ये बाहर जाए कभी ख्याल आता है कि ये मौका मिले तो बाहर चले जाइए देखो जी ये बारे मैं तो कुछ नहीं कह सकता वो बेहतर समझता खुदा कि भी साढ़े चांसिस है ने कि नहीं है लेकिन साढ़े खानदान वडेरे जड़े ने आबाजदार साढ़े इतने ही रहे उन्होंने पाकिस्तान बनाया सानू का डर होना चाहिए कभी यह भी दिल करता है कि पाकिस्तान छड़ ही दीजिए हर रोज़ यही सोचिए कि